लॉकडाउन के 5 माह बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह से इंदौर रेलवे स्टेशन से 6 स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने गुरुवार को मुंबई स्थित मुख्यालय को सप्ताह में 2 दिन इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर गांधी धाम एक्सप्रेस, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस, इंदौर बेरावल व महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा जिन अन्य 2 राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाना है वहां से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा। ट्रेनें चलाने की तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। इन ट्रेनों में पहले की तरह ही अन्य श्रेणियों के कोच होंगे। इनमें अनारक्षित श्रेणी के कोच को भी आरक्षित कोच के रूप में चलाया जाएगा।